वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी बच्चों कैसे हो आप सभी का प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट में, फाउंडर ऑफ प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। मैं आज आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं, उस महान शख्सियत से जो आपके सामने यहां पर एमएसएन डील करेंगे। जी आपसे यहां पर मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग आपसे डील किया जाएगा। दस डॉक्टर बनेश जैन यहां पर जो अपने कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर साथ में न्यूरो सर्जन, दैट इज द एमएसएमसीएच, यस एमएसएमसीएच एक पर्सन से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो कि सर्जरी एक फाइनल ईयर का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में एमएसएमसीएच किया हुआ आपके पास में सर्जन है। दैट्स कंटिन्यू टू टॉक टू इट। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर बनेश हूँ और पहले थोड़ा सा अपन कोचिंग के बारे में बात कर लें और कोर्स के बारे में बात कर लें, उसके बाद फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा। प्लेसेंटा नर्सिंग जो इंस्टीट्यूट है, बेसिकली इसने क्रैश कोर्स शुरू किया है और जो कि 10 तारीख से शुरू हो चुका है, 10 अगस्त से उसका क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स है। और सबसे बढ़िया बात जो इस कोर्स की है वो ये है कि काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे डॉक्टर साहब ने शुरू किया है, एंड बेसिकली ही इज़ ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, सो बेसिकली आई एम ऑल्सो विद हिम। एंड अगर बात करें कोर्स की, तो ये 6 महीने के लिए वैलिड है, साथ में 2 टेस्ट सीरीज भी शुरू की गई है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चूंकि जो ज़माना है काफ़ी हाईटेक है और काफ़ी ऑनलाइन रहना भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इसका गूगल ऐप भी है प्लेसेंटा नर्सिंग का, जो कि गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, और साथ में यूट्यूब चैनल भी है, जैसा कि आप आज देख रहे हैं हमें, उस पर भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको कर दीजिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुँचा पाएँ। बात आती है मेरी, मैं डॉक्टर बनेश जैन हूँ, मैंने एमबीबीएस किया है नागपुर मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 2007 में। उसके बाद मैंने क्या एमएस किया जनरल सर्जरी में कोटा मेडिकल कॉलेज से, जो कि खुद में 3 साल का कोर्स है, और उसके बाद में मैंने एमसीएच किया न्यूरो सर्जरी में। मैं खुद न्यूरो सर्जरी करता हूँ और आज की डेट में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ कोटा मेडिकल कॉलेज में, और जनरली रेगुलरली मैं न्यूरो सर्जरी करता ही हूँ, और आज आपके सामने ये अपना लेक्चर लेने के लिए अवेलेबल हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं एमएसएन डील करूँगा, एंड फर्स्ट सिस्टम जो हम डील करने वाले हैं वो न्यूरो सिस्टम है। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इस बारे में है कि हम लोग आगे जो ये टेस्ट सीरीज, जो लेक्चर सीरीज है, उसमें क्या क्या बातें करने वाले हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। बेसिकली आज की जो बात है वो दो बिंदुओं पे बात करेंगे, एक तो प्लान कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो मेरा मोटो है आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेने का, वो ये है कि आप इस पूरे सीरीज के दौरान में मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इस एक्सपेक्टेशन का मतलब जो है वो ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें समझने मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं, किस तरह से आप मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। बात आती है कि मैं नर्वस सिस्टम को अपने खोल के मैं देखता हूँ रोज, मैं अपने उसे डील करता हूँ, क्रेनियम में ओपन करता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड में ओपन करता हूँ, तो रेगुलरली ओपन जो करता हूँ उससे मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों सिस्टम्स का काफ़ी अच्छा है। तो और उससे संबंधित आप मुझ से कभी भी किसी भी बात में बात कर सकते हैं, उसके लिए जो जरिए होंगे हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है लेक्चर की, नर्वस सिस्टम की। तो आपके मैंने बता दिया जैसे कि आज हम दो बिंदुओं में बात करने वाले हैं, एक तो प्लान के बारे में कि हम किस तरह से क्या क्या लेक्चर लेंगे और क्या क्या चीज़ों पर क्या क्या बिंदुओं में हम लोग बात करेंगे आगे, और आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होनी चाहिए। पहले इस बिंदु पे बात कर लें एक्सपेक्टेशंस के बारे में। बेसिकली एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि आपकी मेरे से आशा क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारा लेक्चर सीरीज खत्म हो, तब आपके आपको इस पहली बात तो नर्वस सिस्टम, उसके बाद में जो और भी सिस्टम जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लें। जब हमारा लेक्चर सीरीज खत्म हो तो आपको नर्वस सिस्टम के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया हो
किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आपके एग्जाम्स में, उसके बारे में कुछ आपको बेनिफिट मिले। तीसरा जो मेन मोटो है इस लेक्चर सीरीज का, वो ये है कि जब भी आप बाद में, जब ऑफिसर्स तो आप बनने ही वाले हैं, डेफिनेटली नर्सिंग ऑफिसर आप बनने ही वाले हैं, तो उसके बाद में भी आपको थोड़ा बेनिफिट हो आपके अपनी लेक्चर सीरीज का, उसके बाद का भी मैं ध्यान रखूंगा। तो ये बात तो हो गई मेरी एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन की मेरे से, पर मेरी भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। उसमें पर्टिकुलरली एक चीज़ आती है, कहते हैं कि आप जो आपका टीचर कुछ भी आपको बोले और आप उससे 80% से ऊपर अगर आपने उस चीज़ को अक्षरशः पालन कर लिया, आपका सिलेक्शन निश्चित है किसी ना किसी कोर्स में, ये पक्का है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग 80% या उससे ज़्यादा मेरी चीज़ों का पालन करेंगे, मेरी बातों को मानेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जो बात होती है गारंटी की, तो किसी भी चीज़ की गारंटी, मैं गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गारंटी आप मुझे देंगे कि हम लोग 80% या उससे ज़्यादा आपकी बात का पालन करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, आप उसको बीच में रोक के मुझसे पूछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसा कि आप ऑनलाइन असल आजकल जो ऑनलाइन चीज़ें हैं यूट्यूब पे भी, और लेक्चर सीरीज से जब हमारी ऐप पे भी ये जो लेक्चर अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे भी आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। उसके अलावा भी मैं कुछ लेक्चर सीरीज लेक्चर्स लूँगा जो कि प्रॉब्लम्स के लिए पर्टिकुलर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, इन जनरल कोई भी क्वेश्चन हो आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। और उसके लिए पर्टिकुलर फैकल्टीज़ हैं, डॉक्टर विनय सर हैं, मैं हूँ, और भी हमारी फैकल्टीज़ हैं, वो सब लोग उस ग्रुप में अवेलेबल होंगे। उस ग्रुप में आप क्वेश्चन डालें और उसका जवाब पूरा पूरा दिया जाएगा। एज ए टीम मैं आपको ये डेफिनेट करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। पहली बात तो ये बात तो ये हो गई। और बात कर लें हम शेड्यूल की, तो जैसा कि किसी भी सिस्टम में होता है कि आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब चीज़ें पहले पढ़ाई जाती है, उसके बारे में बाद में डिजीज के बारे में बताई जाती है। पहले नॉर्मल चीज़ पढ़ेंगे हम, उसके बाद में एबनॉर्मल चीज़ पढ़ेंगे हम। आज हो सकता है कि थोड़ा सा स्पीड लगे मेरे बात करने में, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको इस तरह से नहीं मिलने वाला है। आपको जो आज मिलने वाला है ये कि आगे हम किस तरह से बातें करने वाले हैं, ठीक है। बात आती है क्वेश्चंस की, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम से नहीं होते, इन जनरल बहुत सारे सिस्टम्स में इन्वॉल्व होते हैं कई बार, तो उन सब की जो डिफिकल्टीज होती है उसके लिए भी आपके लेक्चर्स होंगे, प्रॉब्लम लेक्चर्स होंगे, उसके लिए अपन आप निश्चिंत रहिएगा। बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले शुरू करेंगे हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। और जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो सिस्टम में हम डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा, डेफिनेटली मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेनली दो पार्ट हैं इसके, और दोनों को हम अच्छे से बात करेंगे। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि ब्रेन आता है आपका दिमाग, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु भी जिसको बोला जाता है, दिमाग और मेरु रज्जु, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे बच्चों। उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो तरह की नर्व्स होती है हमारी, एक होती है क्रैनियल नर्व्स, दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स, जो कि अब सिस्टम में जा रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा अपनी स्पीड को कम कर दे रहा हूँ, जहाँ की आपको समझना जरूरी है। तो क्रैनियल नर्व्स 12 जोड़े होते हैं, स्पाइनल नर्व्स 31 जोड़े होते हैं। चिंता मत करिएगा बच्चों, इनको अपन डिटेल्स में और अच्छे से विद फोटोग्राफ, विद मॉडल्स, हमारे पास मॉडल्स भी, 3D मॉडल्स भी है, उनको दिखा के मैं बात करूंगा आपको, तो आपको बेटर समझ में आएगा। और जब पिक्चर दिमाग में होती है पढ़ने के साथ साथ, जब पिक्चर सामने आती है तो बेटर लर्निंग होती है, तो वो भी हम करेंगे आपके लिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ लिखित में बात कर रहे हैं,
ब्रीफ में बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे आपको क्या क्या पढ़ना है ये पता लग जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात आती है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी बेसिकली अलग से कोई सिस्टम नहीं होता है, जो भी अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें फैली हुई सी बातें होती है, इनको भी अब डिटेल्स में हम बात करेंगे। बाकी CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड। CSF या दिमाग का पानी। CSF का ओरिजिन कैसे होता है, CSF कैसे फ्लो होता है दिमाग में, CSF अब्सॉर्ब कैसे होता है दिमाग में, CSF का काम क्या क्या है, उन सब के बारे में हम भी अब डिटेल्स में बात करेंगे। आपको लग रहा होगा बच्चों की ये लिखित में बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनके लिए अपन फोटोग्राफ्स भी होंगे हमारे पास में, 3D मॉडल्स भी होंगे हमारे पास में, बेटर समझ में आएगी आपको बात। आज जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो सिर्फ इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं, हम इस सीरीज में करने काम किस तरह से वाले हैं। अगला आता है मेनिंजेस या कवरिंग ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो कवरिंग होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, किस तरह की होती है, कितने तरह की होती है, कैसे बनती है, क्या क्या काम करती है, इसके बारे में डिटेल्स में बात की जाएगी। अगला होता है ब्लड सप्लाई। किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए ब्लड जरूरी होता है, ब्लड किस लिए जरूरी होता है वो भी मैं बात करूंगा, किस तरह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलती है वो भी हम बात करेंगे, डिटेल्स में बात करी जाएगी। किस तरह से ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स होती है दिमाग में, किस तरह से फैली हुई होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन कैसा होता है, बेहोश लोगों का, बेहोश पेशेंटों का एग्जामिनेशन कैसे करना होता है। यहाँ नर्वस सिस्टम की जहाँ बात आती है, नर्वस सिस्टम में बात सीधे सीधे यही आती है कि पेशेंट होश में है कि नहीं है, तो पेशेंट को होश में है कि नहीं है ये जानने के लिए हम सबसे पहले बेहोश आदमी की कैसे जांच की जाती है वो हम बात कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि होश में पेशेंट की कैसे बात की जाती है, उसके लिए क्या क्या पहलू होते हैं, किस किस तरह से उनकी जांच की जाती है, उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ये एक तरह का GCS स्केल है, GCS भी हम उसको बोलते हैं, बार बार GCS ही बोला जाता है, एक तरह का स्केलिंग है, स्केलिंग सिस्टम है। और ग्लासगो बेसिकली क्या होता है कि ग्लासगो बना कहाँ, किस तरह से इसको ईजाद किया गया और किस तरह से इसको काम में लेते हैं, कहाँ पे ये बना है, किसने इसको बनाया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में इसकी डिस्कवरी करी। डिस्कवरी नहीं है बेसिकली, इट इज़ अ शोध, ये शोध किया गया है इस यूनिवर्सिटी में जो कि ग्लासगो में है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, इसके कितने पहलू होते हैं, किस तरह से इसको चेक किया जाता है, वो सब चीज़ें और डिटेल्स में बात करी जाएगी। बाकी और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि पोस्चरिंग हो गई, बेहोश आदमी किस तरह से पड़ा हुआ है, किस पोस्चरिंग में है, उसको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि पेशेंट को चोट कहाँ लगी है या फिर उसको बीमारी कहाँ पे, उसके उससे आपको एग्जाम में तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, बट आपको अपने जीवन में जब आप कहीं किसी ICU में काम कर रहे होंगे तो आपको उसके लिए भी आपको बेनिफिट होना चाहिए, उसको में भी जो एक किस तरह से पता करना, किस तरह से चोट लगी है, किस तरह की कहाँ इंजरी है, कहाँ पे बीमारी है, ये पता लगना भी वो जरूरी होता है। उसके लिए पोस्चरिंग किस किस तरह की होती है वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद बात आती है रेस्पिरेटरी पैटर्न पे। जनरली हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, नॉर्मल लाइफ में जैसे कि मैं खड़ा हूँ सांस ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, जब हम दौड़ते हैं तो तेज तेज सांस लेते हैं, पर जनरली ये एक रिदमिक होता है, लय में हम सांस लेते हैं, लय में हम सांस छोड़ते हैं, लय में सांस लेते हैं, लय में सांस छोड़ते हैं, बट एक बेहोश पेशेंट किस तरह से सांस लेता है, उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या है, उससे भी आपको ये पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को चोट कहाँ लगी है, पेशेंट के बचने की कितनी संभावना है, पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता है कि नहीं है, ये सब चीज़ें उससे पता लगाई जा सकती है। तो बच्चों पैटर्न क्या है रेस्पिरेशन का वो पता करना भी आवश्यक होता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद बात आती है पीपल्स की। आपने देखा होगा ICU में कभी भी कोई कंसल्टेंट आया है, कोई डॉक्टर आया है और सीधे पेशेंट की आंखें खोलता है और उसमें लाइट डाल के देखता है, तो वह देखता क्या है पीपल के अंदर में वो भी हम बात करेंगे, किस तरह से पीपल रिएक्ट करती है, किस तरह से पीपल के पोजीशन होने के, डायलेशन होने के क्या क्या उसके एस्पेक्ट होते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे, उससे किस तरफ की चोट है ये पता लगाया जा सकता है पीपल देख के, और किस तरह से देखी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद होता है एक ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस होते हैं। बेसिकली ब्रेन स्टेम क्या होता है, किस भाग को ब्रेन स्टेम कहते हैं, ब्रेन स्टेम का क्या क्या काम होता है और ब्रेन स्टेम की इंजरी से क्या क्या चीज़ें होती है,
उसके बारे में हम बात करेंगे और उसकी इंजरी चेक करने के लिए क्या क्या रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेन स्टेम एक ऐसा ऑर्गन होता है बच्चों जहां से आपके धड़कन की, आपके सांस की इंफॉर्मेशन निकलती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब सांस की और धड़कन की इंफॉर्मेशन निकलेगी इसका मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी हिस्सा होता है दिमाग का, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद आता है मेनिंजियल साइंस। मेनिंजियल साइन क्या होता है बच्चों? मेनिंजियल साइन का मतलब होता है जो मेनिंजस होती है, कवरिंग जो होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें कभी कभी सूजन आ जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से। तो उसमें क्या क्या साइंस आते हैं कि पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, उनको किस तरह से देखना, उसको मेनिंजियल साइन कहा जाता है। उससे अपने को ये पता लगता है कि दिमाग में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है कहीं, इसके लिए मेनिंजियल साइन होते हैं। उसके बाद आता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर मैं बात करूं न्यूरोसर्जरी की तो किस तरह से बात करता है न्यूरोसर्जरी, या फिर न्यूरोसर्जन किस लिए बना होता है, न्यूरोसर्जन पर्टिकुलरली क्या काम करता है, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो अगर एक शब्द में बात करनी है तो वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए काम कर रहा होता है। इसमें क्या इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है, किस तरह से इसको नापते हैं, इसका कम करना, इसका ज़्यादा होना, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट के साथ में, उसके बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। उसके बाद आ जाती है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या होती हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का मतलब है कि किस किस तरह से दिमाग में परेशानियां आ सकती है। ट्रोमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, या कोई और तरह के टॉक्सिस होते हैं जो नींद की गोलियां हो जाती है, कई बार नींद की गोलियां ले जाता है पेशेंट, तो उसको उससे क्या क्या किस तरह के इन्फेक्शन, किस किस तरह के बदलाव आते हैं दिमाग में, या पेशेंट में किस किस तरह के बदलाव आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद होता है इन्फेक्शन, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था किस किस तरह के इन्फेक्शन दिमाग में होते हैं। एक होता है ब्रेन एप्सिस, एक होता है एंसेफेलाइटिस, एक होता है मेनिंजाइटिस। अब इनका मतलब क्या है? दिमाग में मवाद भर जाने को एप्सिस कहते हैं, दिमाग की सूजन को एंसेफेलाइटिस कहते हैं, और दिमाग की कवरिंग की सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। घबराइएगा मत बच्चों, इनके इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, इसलिए आपको आज ये घबराने की जरूरत नहीं कि काफ़ी तेज जा रहा है, और आपको अगर ये तेज लग रहा हो तो इसमें अपनी स्पीड भी कम कर सकता हूँ, तो चिंता मत करिएगा। और भी दूसरी कंडीशंस होती है दिमाग में। एक होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किस किस तरह का होता है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों। MS का मतलब होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, LS का मतलब होता है लेटरल स्क्लेरोसिस, GBS गिया-बारे सिंड्रोम, ये सब बहुत तेज तेज जा रहा होगा, पर आपको चिंता नहीं करनी है, इनके सब के बारे में विस्तार से बात करी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें ये हो गया इन्फ्लामेशन के बारे में बात। उसके बाद आती है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी बेसिकली क्या होता है, सेवंथ नर्व जो होती है, सेवंथ क्रैनियल नर्व जो होती है उसके बारे में वीकनेस होती है, उसकी वीकनेस होती है। ये सब चीज़ें हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। और दूसरे जो कंडीशंस होती है दिमाग के बारे में वो होती है स्ट्रोक, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। बेसिकली आपने देखा होगा अपने परिवारों में भी, आसपास पड़ोस में परिवारों में भी, कि अम्मा पड़ी हुई है पलंग पे जिसका एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो वो जो चीज़ होती है पर्टिकुलरली वो स्ट्रोक होती है, वो स्ट्रोक होती है। तो उसके बारे में क्या है, किस तरह से वो प्रेजेंट करता है, लगभग किस तरह से होता है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अगला होता है सीजर, दौरा, मिर्गी या फिट, ये सब चीज़ों में आपने सुना होगा, इनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने रोज़मर्रा में ये सब चीज़ें आप अपने आसपास भी देखते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि कंडीशंस क्या क्या हैं, किस तरह से इसके लिए रिएक्ट करें, किस किस तरह से आप इनका मदद कर सकते हैं, इनके लिए हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर्स होती हैं, उनको मैं थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको।
और आखिर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, फार्माकोलॉजी जिसको कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करी जाएगी बच्चों। तो मेरा जो कहना था वो आज का जो लेक्चर जो मैंने लिया है, या आज के लेक्चर तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन ही बोलूँगा। जो इंट्रोडक्शन है आप समझ गए होंगे हम कितना लेक्चर्स हम लेने वाले हैं, जो 5-6 लेक्चर 7 लेक्चर जो हमारी सीरीज़ है उस जो लेक्चर लेने वाले हैं उन लेक्चर्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने आपसे आज बात करी है। ठीक है बच्चों, आप इस मैसेज पे, इस लेक्चर पे अपने क्वेश्चंस आप डाल सकते हो, और कुछ तरह आपको किस तरह से आपको आगे आगे हम गाइड करते जाएंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप इस पे डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर द डे।